इस मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर का जो मेजर पार्ट है उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई मूविंग चार्ज हो या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जबकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि एक स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि चार्ज मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं इस पॉइंट्स को हम लोग पहले यहां पर नोट डाउन करते हैं कि किस स्टेट में जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और किस स्टेट में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ठीक। जबकि कोई ऐसा चार्ज हो जो कि यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी produces both electric field and magnetic field, ठीक। तो एक्चुअली में कहा जाए कि यहां पर मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और चार्ज स्टेशनरी होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यह ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होना चाहिए। क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन हमने क्या पढ़ा था कि रेस्ट और मोशन जो दो स्टेट होते हैं वो एक्चुअली में ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होते हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ भी नहीं होता, है ना, ये हमने पढ़ा था वहां पर। तो एक जो चार्ज है वो किसी ऑब्जर्वर को स्टेशनरी दिख रहा होगा, वही चार्ज किसी दूसरे ऑब्जर्वर को मोशन में दिख रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होना चाहिए। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे कि कोई चार्ज है, ये चार्ज वी वेलोसिटी से यहां पर जा रहा है और एक ऑब्जर्वर है ओ वन, ये भी वी वेलोसिटी से जा रहा है ऊपर की तरफ। एक दूसरा ऑब्जर्वर है ओ टू जो कि रेस्ट पर है, है ना। तो ये जो ऑब्जर्वर है इसको ये चार्ज जो है स्टेशनरी दिखेगा, है ना, ये खुद भी वी वेलोसिटी से जा रहा है और ये जो चार्ज है ये भी वी वेलोसिटी से जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या होगा कि इस ऑब्जर्वर को ये चार्ज रेस्ट पर दिखेगा और इसलिए ये चार्ज इसके रेस्पेक्ट में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो कह सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ओ वन चार्ज इज स्टेशनरी, सो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली विथ रेस्पेक्ट टू ओ वन, है ना। अच्छा, अब आते हैं दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये जो चार्ज है ये मोशन में दिखेगा, यूनिफॉर्म मोशन में दिखेगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, ठीक। तो इसके रेस्पेक्ट में ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज का अपना एक रीजन होता है जिस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। जब ये चार्ज चलने लगेगा तो ये जो पूरा रीजन मैंने सर्कुलर रीजन दिखाया, सर्कुलर रीजन इसके साथ में आगे आगे खिसक रहा होगा, इसलिए किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है वो वैरी करने लगता है, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड वैरी करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, है ना। और इसीलिए हम लोग जानते हैं कि चार फंडामेंटल फोर्सेज में से एक जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक। तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स अलग अलग नहीं कह करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है एक्चुअली में एक ही चीज,
डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए वो डिफरेंट तरीके का फोर्स दिखता है। ठीक, तो दूसरा वाला जो ऑब्जर्वर है इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, और साथ में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, है ना। तो कह सकते हैं कि विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ओ टू, विथ रेस्पेक्ट टू ओ टू चार्ज इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो इट विल प्रोड्यूस, इट विल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ऑब्जर्वर O2 के रेस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा चार्ज हो जो कि एक्सेलरेटेड हो, मतलब किसी वेलोसिटी से भी चल रहा है और उसके पास एक्सेलरेशन भी है, तो वो क्या करता है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और साथ में एनर्जी भी रेडिएट करता है, है ना। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम सुना होगा, तो एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका सोर्स होता है एक्सेलरेटेड चार्ज। हमने पढ़ा था वेव में कि वेव क्या है, एक तरह से एनर्जी है, जहां जहां वेव जाता है वहां वहां पर एनर्जी जाता है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो एनर्जी रेडिएट करता है, और वो जो एनर्जी रेडिएट करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। तो इसीलिए जो थर्ड पॉइंट है इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि एन एक्सेलरेटेड चार्ज, एन एक्सेलरेटेड चार्ज produces both electric field and magnetic field and also radiates energy। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं कि accelerated charge is the source of electromagnetic waves। ठीक, electromagnetic waves आगे एक चैप्टर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से accelerated charge जो है वो wave generate करता है या energy radiate करता है। ठीक, अब इसमें हम लोग एक next point सीखेंगे कि जैसे कोई current carrying conductor होता है, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो ऑब्जर्वर डिपेंड नहीं होता। यहां पर तो हमने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। तो यहां पर हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या एनर्जी भी रेडिएट करेगा, ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। लेकिन साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे आगे जाकर के कि अगर कोई मूविंग चार्ज है उसके पास वेलोसिटी वी है तो उसके कारण से जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंडेंट होता है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली में ऑब्जर्वर डिपेंडेंट हो सकती है, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक और पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by charge is observer dependent, है ना, जबकि जो कंडक्टर है करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड by a current carrying conductor, a current carrying conductor is independent of
ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसको हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि ये कोई कंडक्टर हो गया, है ना, ये कोई कंडक्टर है, इसमें करंट जो है मान लिया कि ऊपर जा रहा है। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नीचे की तरफ जा रहे होंगे किसी वेलोसिटी वी से। तो मान लिया कि अपने पास दो ऑब्जर्वर है, है ना, एक ऑब्जर्वर है ओ वन और एक दूसरा ऑब्जर्वर है ओ टू। ओ टू जो है वी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक। तो अगर हम लोग देखेंगे इस ओ वन के रेस्पेक्ट में, ओ वन जो है रेस पर है, ओ वन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में जो करंट फ्लो करेगा आई की वैल्यू होनी चाहिए एन ई ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है करंट में। जब हम लोग करंट चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। मैं यहां से वी डी हटा देता हूं क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैंने वी ले रखा है, ठीक। अब देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्वर है जो कि रेस पर है, ये कंडक्टर भी रेस पर है, तो ये अगर वी वेलोसिटी से जा रहा है तो इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो करेगा, इतना फ्लो करेगा इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। जबकि अगर हम लोग देखें ओ टू के रेस्पेक्ट में, तो ओ टू जो खुद भी वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर हमेशा न्यूट्रल होता है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेज होते हैं उतने निगेटिव चार्जेज भी होते हैं, तो इसमें कुछ पॉजिटिव चार्जेज भी होंगे। ये तो इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा जो कि कंडक्टर के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर रहते हैं, कंडक्टर के अंदर ये फिक्स है, ये मूव नहीं करते हैं। तो कंडक्टर के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है, ये कंडक्टर के रेस्पेक्ट में चल रहा है, ये ऑब्जर्वर चल रहा है। इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये तो रेस्ट पर है क्योंकि साथ में चल रहे हैं, और ये जो रेस्ट पर है इस ऑब्जर्वर को ये ऊपर की तरफ वी वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा, है ना। मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए जो है वो मूविंग चार्ज चेंज हो गया, मतलब अब इसके लिए इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहा होगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज चल रहा होगा उल्टा डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का नंबर और निगेटिव चार्ज का नंबर बराबर होता है। तो यहां भी मैं करंट निकालूंगा तो आएगा यही एन ई ए इंटू वी, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में ये वी वेलोसिटी जा, वेलोसिटी उतनी ही है, और जितनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लेंगे उतनी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी लेंगे हम लोग, तो करंट की जो वैल्यू आएगी ये तब भी इतनी ही आएगी, डायरेक्शन भी उतना ही आएगा। अभी देखेंगे कि ओ वन के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज नहीं चल रहा था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, इधर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे थे तो करंट उधर जा रहा था इतना, है ना। इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, ओ टू के रेस्पेक्ट में ये नहीं चल रहे, ये पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज जिधर जाएगा उधर ही तो करंट लेंगे, तो इसके लिए भी करंट उधर ही जा रहा है। तो दोनों ऑब्जर्वर के लिए करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है। और जब किसी कंडक्टर के कारण से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं तो उसमें जो फॉर्म जो वेरिएबल्स आते हैं, वेरिएबल्स में आई आता है, वी नहीं आता, ठीक है। तो आई आने का मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट डिपेंडेंट है, और करंट जो है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं रहा, दोनों में बराबर आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी कंडक्टर के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक। तो अब जो है हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे कोई मैग्नेट होता है, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी ऑब्जर्वर डिपेंडेंट नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट इज नॉट, और कह सकते हैं इज इनडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर, इनडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर।